गर्मियों में फालूदा खाना, कुल्फी खाना किसे अच्छा नहीं लगता, इनके तो नाम से ही शरीर में ठंडक पड़ जाती है। तो मैं उर्मिला गुर्जर साहब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फालूदा बनाना बताऊंगी आपको कि मैंने इसे कैसे बनाया है। ये है रेडीमेड फालूदा मिक्स और मैंने कुल्फी भी बनाई। तो स्टार्ट करते हैं पहले फालूदा से। ये है फालूदा ईट मी का फालूदा मिक्स, सॉरी, तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है ये। और इसमें पीछे सारा कुछ दिया है, जैसे कि इसका वेट 200 ग्राम है, एमआरपी इसकी 75 रुपीस है, और यहाँ पे पूरी रेसिपी दी है कि इसे कैसे कैसे बनाना है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध गैस पे चढ़ा दिया है। ये दूध आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फुल क्रीम हो, चाहे भैंस का हो, गाय का हो। और इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध लिया था और इसमें डाल देंगे फालूदा मिक्स। इसको अच्छे से हिलाते हुए पका लेंगे जब तक ये सेब गल ना जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि चलाते जरूर रहे, नहीं तो नीचे लग सकता है। हमें इसे चलाते इसलिए भी रहना है ताकि लम्स ना पड़ जाए। तो हम इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में, और जब ये उबल जाएगा तो हम चेक कर लेंगे सेब पके हैं या नहीं। और अगर गल भी गए हैं तो हम थोड़ी देर और गाढ़ा कर लेंगे हल्का सा, और तब तक मैं बना लेती हूँ कुल्फी। यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध चढ़ा दिया है गैस पर, और थोड़े से दूध निकाल लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और इसका एक घोल बना लूंगी। इसे मिक्स करके मैं एक तरफ रख दूंगी, इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब जो मैंने दूध रखा था उबालने के लिए कुल्फी के लिए, उसमें डाल दूंगी चीनी। चीनी अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, अगर तेज मीठा खाते हैं तो ज्यादा डालें। यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी, इसे घोल लेती हूँ और थोड़ा पकने देती हूँ। तब तक हमारा फालूदा बन चुका है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे फ्रिज में रख देंगे 5-6 घंटे के लिए। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपनी कुल्फी बना लेते हैं। तो दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे जो कस्टर्ड पाउडर का घोल बना के रखा था उसे इसमें डाल दिया है, और मैं इसे चलाती रहूंगी ताकि लम्स ना पड़े इसमें और ये नीचे से लगे भी नहीं। अब थोड़ी देर हो गई है इसे पकते हुए, तो यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट चाहते हैं मिक्स, तो विस्कर से आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेचुला से ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे दानेदार कुल्फी पसंद है। तो हल्के हल्के दाने से दिखते हैं तो मुझे अच्छी लगती है। तो बस हमारी कुल्फी तैयार है, इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसे मोल्ड में भर लेंगे। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं क्योंकि मेरे बेटे को ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। मैं अपने लिए ड्राई फ्रूट्स इस मोल्ड में ही डाल दूंगी, और उसके लिए बिना ड्राई फ्रूट्स के रखूंगी। अब यहाँ पे कुल्फी भर दूंगी और फिर दोबारा से ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, फिर कुल्फी भरूंगी। तो इस तरह से पूरे मोल्ड को मैं फिल कर लूंगी और स्टिक्स लगा दूंगी और फ्रीजर में रख दूंगी 5-6 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से जम जाए। और इसी तरह एक और मोल्ड में मैंने भर लिया है बाकी मिक्सचर को, तो और उसे भी रख दिया है फ्रीजर में 5-6 घंटे के लिए स्टिक लगा के। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा फालूदे का क्या हाल है। तो फालूदा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। फालूदा को भी हो गए थे 5-6 घंटे। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसमें मैं कुल्फी भी डालूंगी, तो पहले मैं ग्लास में डाल लेती हूँ फालूदा। इसमें अभी मैं कुल्फी भी डालूंगी, तो पहले हम इसको डालने के बाद कुल्फी निकाल लेते हैं। उसके लिए एक बर्तन में पहले पानी लेना है, उसमें मोल्ड को अच्छे से हिलाना है। अगर हम हिलाएंगे नहीं पानी में तो स्टिक हमारे हाथ में आ जाएगी, कुल्फी मोल्ड में रह जाएगी। तो ऐसा नहीं होना है, हम इसको हिला लेंगे और फिर कुल्फी निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी कुल्फी बनी है, बिल्कुल दानेदार जैसे मुझे पसंद है। तो यहाँ मैंने कुल्फी निकाल ली है। तो ये तो हमने ऐसी ही खा ली थी, और फालूदा में डाली थी दूसरी वाली कुल्फी, तो उस मोल्ड से भी मैंने कुल्फी निकाल ली है और इसको मैंने फालूदा में, तो यहाँ पे मैंने डाल दी कुल्फी, और उसके बाद डाल दूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, और हम लेंगे फिर
बालूदा का मजा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।